हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते किंग शो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मज़े में? राधे राधे सभी को। तो आज मैं बाहर जा रही हूँ दिवाली की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी थोड़ी करके मैं सारी शॉपिंग कर लूँगी दिवाली की, तो वैसे मैं अपडेट्स देते रहूँगी अपने ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ, पहले तो टेम्पल जाऊँगी और फिर जाऊँगी थोड़ा देख के आऊँगी क्या कुछ नया आया है कि नहीं। दिवाली में बहुत सारे मतलब रंगोली या फिर दिया जो होता है ना, उसके बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं, तो वो भी मुझे चेक करने हैं। रंगोली के लिए मुझे जो भी टूल्स आते हैं ना, तो वो भी मैं एक बार चेक करने वाली हूँ। कुछ अगर नया स्टेंसिल आया है रंगोली का तो वो भी ले लूँगी, अगर पसंद आया तो आप भी चलना चाहोगे ना मेरे साथ मार्केट में? देखते हैं ना क्या कुछ नया आया है, कैसी जगमगाहट है, तो हम देखते हैं। तो आप भी चलिए मेरे साथ। और उसके पहले कहिए गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, उंदिर मामा की जय। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और अच्छे अच्छे वीडियोस भी आप देख पाएंगे, और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा अगर आप बेल आइकन दबाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए चलते हैं मार्केट में। अभी थोड़े ही दिन में दिवाली शुरू होने वाली है, तो मैं ज़रा मार्केट गई थी और वहाँ पे ये जो प्यारे प्यारे रंगोली के कलर्स हैं वो भी देखे, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के दिए दिखाई दे रहे हैं। आपने भी शॉपिंग कर ही ली होगी, है ना? तो मैं भी आज गई थी, तो बहुत ही अच्छा सब दिवाली का जो डेकोरेशन का जो मटेरियल है वो यहाँ पे मुझे दिखा। इनमें से कुछ दिए मैंने भी लिए, मतलब एक डज़न, और ये है जो स्टेंसिल्स होते हैं ना रंगोली के, ये 10-10 रुपए के स्टेंसिल्स भी वहाँ पे अवेलेबल थे। जो लक्ष्मी है यानी कि झाड़ू है वो पीछे, वो भी है, और सभी स्टेंसिल्स है, या फिर जो स्टिकर्स है जो रेडीमेड रंगोली टाइप के रहते हैं ना, वो भी थे। और प्यारे प्यारे ये देखो कंदिल भी है, बहुत ही प्यारे दिख रहे थे। ये जो स्टार्ट के जो तीन है वो 200 रुपए के है, और उसके पीछे के जो थोड़े बड़े साइज़ में है ना कंदिल, वो है 300, 350 से स्टार्ट है, डिपेंड्स वो कितने बड़े हैं उस पर उसका जो प्राइस है वो डिपेंड होता है। आगे के जो थोड़े से रेक्टेंगुलर शेप में है वो 200 रुपीज़ के थे। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी और बहुत दिल खुश हुआ, और मैंने एक डज़न ये दिए भी लिए हैं क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट थी। और जो ये जो बाकी के जो रेक्टेंगुलर शेप के जो स्टेंसिल दिखाई दे रहे हैं ना, वो थे 60 रुपीज़ के, जिससे कि हम रंगोली इजीली बना सकते हैं। तो ये था मेरा शॉपिंग का वीडियो। और ये देखिए, ये जो है वो मैंने एक डज़न जो दिए हैं वो ले लिए हैं। ये मुझे डज़न मिले 20 रुपए में, कहीं 30 रुपए भी बोलते हैं सेम दियो का, लेकिन मुझे एक जगह पे मुझे आंटी दिखी थी ना, तो मैंने उनको पूछा तो वो बोली कि 20 रुपया डज़न है, तो मैंने ले लिए। 10 रुपए बच रहे तो क्यों नहीं ले, है ना? और ये जो दिए हैं ना, उनको भी मैं कलर करने वाली हूँ। आपने पहले भी शॉर्ट्स वीडियोस में देखा होगा, मैंने दियो को भी कलर किया था, तो अगर नहीं देखा है तो शॉर्ट्स वीडियो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे इन दिए, ये जो दिए हैं उनको भी मैं कलर करने वाली हूँ। अभी कैसे दिवाली में जो है ना, ये कलर मतलब सॉरी ये दिए मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो दिए होते हैं ना वो मैं पीपल के नीचे लगाने के लिए ये मैंने लिए हैं। मैं पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाती हूँ ना, तो उसके लिए ये दिए जो होते हैं ना वो अच्छे पड़ते हैं, तो क्योंकि हम वो दीप दान जिसे कहते हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं, तो उसके लिए ये दिए जो हैं वो मैंने लाकर रखे हैं बल्क में, क्योंकि ज़्यादा लगते हैं ना उसके लिए। इसी के लिए आज सैटरडे भी था ना, तो मैं गई थी पीपल के पेड़ के नीचे तो दिया जलाने के लिए, तो मैंने वहाँ पे दीप दान कर दिया, और मैं ये एक्स्ट्रा जो दिए हैं वो मैं घर के लिए मतलब घर पे लेके आई। और जो घर पे दरवाजे के बाहर जो हम लगाने वाले हैं वो दिए मैंने ऑलरेडी डीमार्ट से ले लिए हैं, तो ये ऐसे चमकीले होते हैं, तो ये अभी तो फ़िलहाल मैंने ये इतने ही ले लिए हैं। अभी जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ जाएगी तो वैसे वैसे और भी डिज़ाइंस आ जाएंगे ना मार्केट में, तो मैं वो भी दूसरे भी ले लूँगी ऐसे। तो रंगोली तो हमारी होती ही है,
और ये दिए भी आ चुके हैं, और ये एक एक्स्ट्रा जो है ना दिया, वो मैंने पहले मतलब मंदिर जाने से पहले मैंने लिया था, मतलब 5 रुपए के 2 मिले थे मुझे एक जगह पे, तो मैंने ये अपने लिए रखा है, क्योंकि इससे ना मैं तंदूरी चाय बनाने वाली हूँ। क्योंकि तंदूरी चाय में है ना ऐसे मिट्टी का जो दिया या फिर जो छोटा सा एक घड़ा रहता है ना मिट्टी का, वो ऐसे गर्म करके फिर चाय उबलने के बाद वो ना उस बर्तन में डाल के फिर उसको एक उबाल देते हैं, मतलब गैस बंद करके, तो वो अपने आप एक तंदूर का फ्लेवर आ जाता है। तो वैसे मैं ट्राई करने वाली हूँ, तो ये अच्छे से धोने के बाद सुखाऊंगी और फिर गैस पे ऐसे गर्म करने के लिए रख दूंगी, और जैसे ही चाय मतलब दूध वाली चाय जब भी गर्म हो जाती है ना, तो बंद करके मतलब गैस बंद करके फिर उसमें ये दिया डालना है और फिर वो वैसे ही रखना है, तो वो उबल के एकदम ऊपर आ जाती है चाय, तो उससे क्या होता है उसमें ना ये मिट्टी का फ्लेवर आ जाता है, तो उसे तंदूरी चाय कहते हैं, वो भी एकदम बढ़िया लगती है। तो मैं खुद से भी ट्राई करने वाली हूँ, लेट्स सी कैसे बनती है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मेरा एक्सपीरियंस तंदूरी चाय का। तो देखते हैं कभी वो मुहूर्त आता है, क्योंकि मैंने एक बार डिसाइड कर लिया ना, तो बहुत टाइम के बाद मुझे फुर्सत मिलती है, तो अभी फ़िलहाल तो प्लान है वैसे तंदूरी चाय बनाने का, अभी लेट्स सी। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी दिवाली की सब शॉपिंग सब चालू है, तो अभी देखते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए फिर, कैसे लगा, छोटा सा एक ब्लॉग था, जस्ट एक अपडेट देने के लिए था, तो बताइए कैसे लगा मेरा ब्लॉग, और ब्लॉग देखते रहिएगा ज़रूर, और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।